नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज 24। इस समय हम विद्यागंज विधानसभा में हैं। मेरा नाम चंद्रशेखर मौर्य है और विधानसभा का जो चुनाव है दीरागंज 350 विधानसभा का, ये अपने आप में बहुत तेज गर्मा आ गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी किसी से कम नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जीत दिलाने के लिए यहाँ बड़े बड़े नेता भी पहुँच चुके हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के सदस्य, राज्यस्तरीय सदस्य जो है, सलाहकार समिति के सदस्य दीपक चंद्रा जी भी आज हमारे साथ हैं। बता दें, दीपक चंद्रा जी वो शख्सियत हैं जो लगातार गरीबों की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, पिछड़े वर्गों के सेवा में लगे रहते हैं। इनका एक चेहरा, एक अलग चेहरा है भारतीय राजनीति में देखा जाए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा जाए, दीपक चंद्रा जी का चेहरा अपने आप में अलग माने रखता है। तो आज हम अपने चैनल पर आपको दिखाएंगे दीपक चंद्रा जी से एक मुलाकात और छोटी सी बात। तो दीपक चंद्रा जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो बदलाव हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की दोबारा सरकार बन पाएगी कि नहीं, इस पर भी संशय बना हुआ है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, 7 मार्च को 7वें चरण का चुनाव होने जा रहा है। पिछले आप पहला चरण हमारा 10 फरवरी को हुआ था और अब 7वां यानी कि आखिरी चरण जो है वो 7 मार्च को होने जा रहा है। आप पूरे प्रदेश में देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से मन बना चुकी है कि योगी जी की सरकार दोबारा लानी है, क्योंकि प्रदेश की जनता को जो 5 साल का लॉ एंड ऑर्डर, शिक्षा, विकास और रोज़गार जो ज़मीनी स्तर पर योगी जी की सरकार में मिला है, वो आज तक किसी अन्य सरकार में नहीं मिला है। तो जिस तरह से दीरागंज में आप आए हैं 10 दिन से, इसमें क्या आपको देखने को मिला कि दीरागंज की जनता किधर जा रही है? देखिए, दीदारगंज की जनता ने, आज आपने देखा होगा कि यहाँ हमारी एक जनसभा हुई है और जिस जनसभा में हमारे उत्तर प्रदेश के SSV उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। आपने देखा भी होगा, मैदान छोटा पड़ गया और जनता का जो सैलाब आया है, हमारा ग्राउंड भी छोटा पड़ गया। हज़ारों, कम से कम 20-30 हज़ार जनता आज आई जी हैं, और कितना जनता में, युवाओं में कितना जोश था, कितनी हमारी उत्तर प्रदेश की बहनें यहाँ भारी संख्या में इस विधानसभा की आई थी। तो जनता तो पूर्ण रूप से मन मना चुकी है कि योगी जी की सरकार पूर्ण बहुमत से हमारी आ रही है। तो जिस तरह से आप 10 दिन से लगातार हैं, यहाँ की कई गांव की जनता भी आपको जानना, चेहरे से पहचानने लगी है कि दीपक चंद्रा जी आप ही हैं, क्या खासियत रही है कि आपको लोग इतना प्यार देते हैं? देखिए, 98 से मैं राजनीति में हूँ। मैंने हमेशा अपनी लाइफ में गरीबों की मदद करने का मेरा विषय है और मैं जब तक जीऊँगा भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा कर्मठ निष्ठावान सिपाही बनकर गरीबों की मदद करता रहूँगा और प्रदेश और केंद्र की सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं जमीनी स्तर में, हम गरीबों को दिलाने का हम काम करते हैं। तो क्या लगता है कि यहाँ पर लड़ाई है तीनों पार्टियों की, सिर्फ भाजपा की है? यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। भाजपा का हमारा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी बहुत कई हज़ार की संख्या में जीत रहे हैं। बसपा और सपा कहीं नज़र नहीं आएगी। अब 10 तारीख को आप देख लेना, और भारी से भारी मतों से मेरा प्रत्याशी यहाँ जीत रहा है। तो क्या कहेंगे, आज की जो जनसभा रही, जिस तरह से लोगों का हुजूम जुटा था, और बता दें कि मैदान भी छोटा था, टेंट भी बहुत ज़्यादा लगी थी, उसके बावजूद भी टेंट के बाहर भी लोग खड़े थे, तो उस पर क्या कहेंगे आप? प्रदेश की जनता राष्ट्रहित और देश हित के लिए वोट देने का काम कर रही है। जनता ने देखा है कि आज़ादी के बाद केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो ज़मीनी स्तर पे उनको मिल रही है, चाहे वो आवास की योजना हो, चाहे 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मुफ्त में इलाज की योजना हो, चाहे शौचालय की योजनाएँ हों, चाहे पूरे देश में, पूरी जब दुनिया में कोरोना जैसा संकट आया उसमें हमारे लोकप्रिय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि मेरे पूरे भारत में कोई भी गरीब भूखा ना रहे। आज पूरे देश में राशन में सारी चीज़ गरीबों को ज़मीनी स्तर पर मिल रही है और सारी योजनाएं प्रदेश केंद्र सरकार की मिल रही है। तो जनता का अगर लाभ है, जनता अपने हित की सोचती है, तो जनता को पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो हर जाति, हर धर्म से ऊपर उठकर शिक्षा, विकास और रोज़गार का देने का अगर काम किया है तो आज़ादी के बाद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप पिछड़े समाज से, दलित समाज से आते हैं, और जिस तरह से आप, ये कहा जाता है कि भाजपा अगड़ियों का
एक पार्टी है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये विपक्ष कहता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति जी भी अनुसूचित समाज से आते हैं और केंद्र की सरकार में भी अनुसूचित समाज के कई मंत्री हैं और प्रदेश की सरकार में भी अनुसूचित समाज के मंत्री रहे। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर जाति हर धर्म के व्यक्ति को सम्मान मिलता है और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को अगर बढ़ाने का काम करती है तो केवल वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिस तरह से चुनावी में, जैसे 2022 का आज चुनाव चल रहा है, 2022 के चुनाव में लोगों का जो एक रुख है विकास की तरफ है कि अब जो विकास करेगा उसी को वोट करेंगे, तो क्या लगता है कि इस बार जो कोरोना काल की स्थिति रही उसमें बीजेपी को कितना फायदा और कितना नुकसान होने वाला है? अगर सरकार ने विकास ना किया होता तो आप देखिए आज जहाँ बैठे हैं दीदारगंज में, आजमगढ़ में, आज हजारों जनता ने ये संदेश दे दिया कि अगर विकास दिया है तो सिर्फ योगी जी की सरकार ने दिया है, अन्य किसी सरकार ने नहीं दिया है। तो ये रहे दीपक चंद्रा जी, तो बड़ा अच्छा लगा आपको, बड़ा बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से, और हम फिर किसी नए लीडर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।